तो योगी मोदी ने फिर से चौंका दिया। 2017 का दौर याद करिए, दिल्ली में दो लोग यूपी बुलाए गए थे, सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा। इस बार योगी पार्ट टू में दोनों ही मंत्री नहीं बनते। एक और किस्सा, पूर्व नौकरशाह एके शर्मा जब वीआरएस लेकर आए उत्तर प्रदेश में, तब चर्चाएं आम थी, याद होगा आपको, कि वो डिप्टी सीएम बनने वाले। किसी ने बोला कि वो गृहमंत्री बनेंगे, मगर मौका कब मिला? योगी पार्ट टू में, अब जाकर वो मंत्री बने। एक और किस्सा, सोशल मीडिया पर जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चाएं थी, बहुत भारी प्रचार हो रहा था, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक की जो पत्नी है अपर्णा बिष्ट, उनकी हवा उड़ी कि इन्हें मंत्री बनाया जाएगा। इनका नाम कोई काट नहीं सकता क्योंकि योगी मोदी जो हैं वो इन्हें मंत्री बनाएंगे। लेकिन योगी और मोदी के काम करने की शैली अलग है। एक और किस्सा बनारस का, बनारस में दयाशंकर दयालु को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। दयालु जी का व्यक्तित्व अलग है, माना जाता है कि बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा, क्योंकि वो किसी सदन के सदस्य भी नहीं। बनारस में छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति उनको जानता है, कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए। किसी ने सोचा था नीलकंठ तिवारी मंत्री नहीं, जीत कर आए थे, उनको नहीं बनाया, उनके इलाके से बना दिया। ये मोदी के काम करने का, योगी के काम करने का तरीका है। आप परफॉर्म करेंगे तो ठीक है, वरना पिछली सरकार की तरह इस बार भी मंत्रियों के पत्ते कट गए। 6 दिग्गज मंत्री कैबिनेट से बाहर हो गए, 6 दिग्गज मंत्री, चौधरी उदय भान, मोती सिंह, रमापति शास्त्री, नीलिमा कटियार, श्रीकांत शर्मा, कैबिनेट मंत्री नहीं दिया, मंत्रालय नहीं दिया। सोचिए गाजियाबाद में अतुल गर्ग को भी हटाया गया एक झटके में। या तो आप प्रदर्शन करेंगे तो ठीक, वरना फिर थैंक यू, जय श्री राम। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब अनिल राजभर का देखिए, लॉटरी लग गई, इस सरकार में रखा गया, इनाम के हकदार थे क्योंकि ओपी राजभर के बेटे को चुनावी रण में मात दी थी, यह एक बड़ी बात थी। मसला सीधे तौर पर परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस से जुड़ा है। हटाने वाले नीलकंठ तिवारी, सतीश महाना, महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह के बारे में एक चर्चा आम है कि उन्हें राष्ट्रीय संगठन में जगह मिल जाएगी, संकेत मिल रहे हैं। अब एक और उदाहरण देखिए, पंकज सिंह, पंकज सिंह का नाम चर्चाओं में था, मगर राजनाथ के बेटे होने के बावजूद उन्हें फिलहाल मंत्री नहीं बनाया गया। अब एक और किस्सा, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए लेकिन उसके बावजूद डिप्टी सीएम का पद मिला, कद बरकरार रहा, और वहीं लगे हाथ सहयोगियों का ऋण भी उतार दिया। दोनों ही सहयोगी दलों के मुखियाओं को मंत्री, क्योंकि वो खुद ही मंत्री बनना चाह रहे थे, निषाद पार्टी के संजय निषाद और अपना दल से आशीष पटेल। जाति और सामाजिक संतुलन तो बीजेपी ने खूब साध लिया, मगर एक संतुलन मुझे लगता है कि बीजेपी या तो चूक गई या फिर यह सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्षेत्रीय संतुलन। उदाहरण के तौर पर बनारस में 4 मंत्री बनाए गए, बनारस से 4 मंत्री, जरा सोच कर देखिए, एक साथ 4 मंत्री क्यों, मतलब एक बनारस से ही 4 मंत्री, 75 जिले हैं, 60 मंत्री हैं, फिर भी एक बनारस से 4 मंत्री। संकेत क्या है? संकेत 2024 है, बिल्कुल साफ है। गोंडा वाले खाली रह गए, सुल्तानपुर वाले खाली रह गए, बुंदेलखंड वाले खाली रह गए, गौतमबुद्ध वो भी खाली, गाजियाबाद वो भी खाली। ऐसे ही मंत्रिमंडल में हरदोई का किस्सा यह है कि 2 विधायकों को जगह दी गई। एक हरदोई सदर से विधायक हैं नितिन अग्रवाल, उन्हें मौका मिला, और दूसरा चेहरा है रजनी तिवारी, नितिन अग्रवाल को राज्य मंत्री बनाया गया और
रजनी तिवारी को राज्य मंत्री जो है उन्हें भी बनाया गया, उनको स्वतंत्र प्रभार दिया है नितिन अग्रवाल को। नितिन अग्रवाल और रजनी तिवारी ये चौथी बार के विधायक बनकर आए, यानी कुल मिलाकर देखें तो 2 डिप्टी सीएम, 16 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्य मंत्री 20। अगर आप परिणाम देंगे, योगी मोदी का संकेत साफ है, वो मंत्रिमंडल में रहेगा, वरना फिर गेट आउट। जिन बड़े चेहरों को मौका नहीं मिला उनमें से कुछ चेहरे आपको 24 में चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, लोकसभा का चुनाव, जो बड़े चेहरे हैं जिन्हें आप चौंक रहे हैं कि इन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, उनमें से कई चेहरे 2024 के चुनाव में रणनीति के तहत 24 के चुनाव में चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। सत्ता की वापसी में 100 कारण हो सकते हैं। जहां तक मुझे समझ में आया, बीजेपी की सत्ता की वापसी के 100 कारण हो सकते हैं, अलग अलग तर्क हो सकते हैं, मगर 2 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसे कोई नकार नहीं सकता, एक शासन और दूसरा राशन। योगी ने शासन की बात की और फ्री में राशन की बात की, और अब भी आप देख लीजिए पहला फैसला ही वही आया कि राशन को दुरुस्त करो, और जिस दिन शपथ ली उसी दिन 1 लाख का इनामी लखनऊ में एनकाउंटर। यानी मोदी और योगी जो सरप्राइज करने वाली जो आदत है राजनीति में, वो कैबिनेट में भी दिखाई दी। ऐसी इनसाइड स्टोरीज हम आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।